जिला झज्जर के सौधी स्थित जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रैक इवेंट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और हम बात कर रहे हैं स्कूल की प्रबंधक निदेशक महोदय हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम गुलिया। आइए उनसे बात करते हैं। नीलम जी, किस तरह की प्रतियोगिता रही, कितने स्कूलों ने प्रतिभागिता की? सर, ये सौहदे की एक ट्रैक इवेंट था जो कि लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था और इस बार भी हमने ही करवाया है और इसमें अपने झज्जर जिले से 10 स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सभी ने अपना अच्छा उत्साह प्रदर्शन किया है उन बच्चों ने और सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी ने हमारा सहयोग दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद और आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएँ हम करवाते रहें और बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें। जी, और देखिए लगातार शिक्षा के साथ साथ खेलों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा यह जीवन ज्योति स्कूल, जिसने दावा किया है दूसरी यह प्रतियोगिता है। मुझे ज्ञात है इससे पहले भी एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का स्कूल में आयोजन किया गया था और निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक जो माहौल यहाँ पर दिया जा रहा है, चाहे मैं ट्रैक इवेंट की बात करूं या विभिन्न खेलों के आयोजन की, लगातार यह स्कूल प्रयासरत रहता है। नीलम जी, आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और लगातार आप सक्रिय भी रहे हैं, प्रोफेशनल्स का आप खेलों में हेल्प भी ले रहे हैं जो आपके यहाँ एक संस्था कार्य कर रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को और हमारा चैनल देखने वालों को, खिलाड़ियों को, किस तरह से भविष्य में जीवन ज्योति की क्या प्लानिंग है खेलों को, खिलाड़ियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए? सर, आगे की ये प्लानिंग है कि मैं तो चाहूँगी कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को कोई ना एक गेम जरूर करवाएं और उस गेम के लिए उनको अच्छे से तरासें और तरासने के लिए हमने यहाँ प्लेग्राउंड भी तैयार कर रखा है, हमारी टीम भी है स्टनिंग टॉट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो टीम भी पूरा मेहनत कर रही है, स्कूल टाइम में तो करते हैं उसके अलावा इवनिंग टाइम भी क्लासेज हमारी चलती हैं। जी, और देखिए जिस तरह से यह एक ग्रुप का काम होता है और तमाम हमारे साथ वो शिक्षिकाएं मौजूद हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, हम देख रहे थे। जी मैम, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम रूपाली चतुर्वेदी है। जी, किस तरह से तैयारियां की आपने इस पूरे इवेंट को लेकर के, क्या आपके सामने कठिनाइयां आई और कैसे मैनेज किया? कठिनाइयाँ तो ज़्यादा नहीं आई, टीम की वजह से हो पाया क्योंकि सब काम टीम की वजह से होता है और ये स्टनिंग टॉट्स की टीम है, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया और हम लोगों को हेल्प किया, हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हेल्प आउट किया, तभी हम इस इवेंट को सक्सेसफुली कर पाए। विजेता और उपविजेता के नाम क्या रहे? जो ओवरऑल चैंपियन रहे वो एचआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहा, जिनके सबसे ज़्यादा मेडल्स थे और हमने अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सिस्टम इनको मेडल के हिसाब से दिया था, इनका ही सबसे अच्छा योगदान रहा, बाकी सारे स्कूल्स थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। जी, पूरी प्रतियोगिता के दौरान आप मंच पर मौजूद रहे, क्या लगता है आपको जिस तरह से तमाम जो झज्जर जिला के खिलाड़ी थे, विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी यहाँ पहुँचे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा नाम शशि धवन है, मैं जीवन ज्योति स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं आज मॉर्निंग से ही बच्चों को वॉच कर रही थी, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, स्कूल्स आगे आगे आना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स में तो हमें उनका साथ देना चाहिए, बच्चों को और इम्प्रूवमेंट के लिए हमें उनको प्रोत्साहन देते रहना चाहिए ताकि बच्चे खेल में और आगे आएँ और अपने स्कूलों का नाम और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी झज्जर जिला खेल खिलाड़ियों की भूमि रही है, चाहे मैं बजरंग पूनिया की बात करूँ या अन्य खिलाड़ियों की बात करूँ जिन्होंने न केवल भारत देश में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है और खेल खिलाड़ी का ग्रामीण भूमि है और यहां से ना केवल कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल जैसे अनेकों अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए हैं और इसी प्रयास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीवन ज्योति स्कूल द्वारा यह जो ट्रैक इवेंट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी निश्चित तौर से भविष्य में खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगी ताकि खिलाड़ियों को और अधिक मेहनत और कंपटीशन के साथ आगे बढ़ा जा सके। कैमरामैन हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।